वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में किसान सरापा एहतजाज हैं। आज तीसरा रोज़ है और किसान इस वक्त वफाकी दारुलहुकूमत में मौजूद हैं और अपने मुतालबात के हक में एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने धरना दिया हुआ है। इस वक्त मैं जिना एवेन्यू पर मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त किसानों ने धरना दिया हुआ है और जहां पर किसान मौजूद हैं उसके गिर्द जो अहम शाहराहें हैं उन्हें कंटेनर लगा के बंद किया गया है। जबकि इन किसानों ने आज कोशिश की थी रेड जोन जाने की, लेकिन पुलिस ने और इंतजामिया ने उन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी। किसानों का ये कहना है कि उनका एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते। किसान कहाँ पर मौजूद हैं, कहाँ कहाँ से आए हैं और उनके मुतालबात क्या हैं, उनके मुतालबात तस्लीम क्यों नहीं किए जा रहे और उनकी अब तक जो मुज़ाकरात हुए थे वो नतीजा खेज क्यों साबित नहीं हुए, आइए आपको दिखाते हैं। मैं जनाब राय उमर फरूक हैदर, उकाड़ा तहसील का सीनियर नैब सदर, किसान इत्तेहाद। ये बताएं कि आज जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं एहतजाज कर रहे हैं, ये कहाँ कहाँ से आए हैं? ये किसान पूरे पंजाब से आया है। सही, बलोचिस्तान के भी हैं, सिंध के भी हैं और जो पीछे रह गए हैं वो भी आ रहे हैं। तो ये बताएं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या मुतालबा है? एहतजाज कर रहे हैं कि बिजली का पहले 5 रुपये 35 पैसे थे, कोई टैक्स नहीं था, आज वो 5 रुपये 35 पैसे वाला यूनिट चला गया है 26 रुपये का और उसके साथ नाल 30-40 हज़ार इन्होंने टैक्स लगा दिया है, वो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। जो पहले बिल 40 हज़ार का था वही बिल आज 4-1.5 लाख का होगा। और क्या मुतालबात हैं इसके अलावा आपके? इससे मुतालबात है बिजली का मामला है, दूसरा खाद का मामला है, तीसरा बीज का मामला है, चौथा हमारा जो उसको स्प्रे करते हैं उसका मामला है, वो भी बहुत महंगी होगी और दवाइयां 2 नंबर होगी। गवर्नमेंट किसी को कुछ नहीं पूछ रही, सिर्फ एक किसान ही है जिसको पूछ रहा। और 3 दिन हो गए इधर, 4 दिन कोई लोग इधर हमें खाना ले आके दे रहे थे, उन्होंने कंटेनर लगा दिए, खाना भी बंद कर दिया है। इधर जो अली ट्रस्ट वाले थे वो डेली 3-4 टैंकियां पानी की लगा ले आते थे, अभी वो कल का एक पानी भी बंद हो गया, रात का रात 2 बजे का इन्होंने कंटेनर लगा दिए, तमाम रास्ते इन्होंने बंद कर दिए और किसान अभी 2-3 बजे तक इंतजार करेगा फिर डी चौक जाएगा। अच्छा, किसान का खुशहाल होना क्यों जरूरी है किसी मुल्क के लिए? अगर किसान खुशहाल होगा साडा मुल्क खुशहाल होगा, पाकिस्तान खुशहाल होगा, क्योंकि 80% आबादी किसान है, ये 20% है, 20% जो है वो 80% को खा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर मुतालबात आपके तस्लीम नहीं हुए थे तो फिर क्या हिकमत अमली होगी और 3 रोज से आप बैठे हैं, इसमें मुजाकरात भी आपके हुए हैं, मुजाकरात कामयाब क्यों नहीं हुए? मुजाकरात कामयाब, अभी 2 बजे का टाइम दिया है, 2 बजे के बाद पता चलेगा क्या होगा, जो काम चेयरमैन करेंगे हम उसके साथ हैं और 3 दिन लगे इंशाल्लाह भूखे प्यासे इधर रहेंगे, क्योंकि किसान के पेट से बर्दाश्त है, क्योंकि वो जमीन काश्त करता है, उसका बेटा उसका खाना ना ले जाए फिर भी वो 1-2 दिन निकाल लेता है। अभी भी किसान यही कह रहा है कि हमारे मुतालबात ना मंजूर हुए तो 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, हम इधर ही रहेंगे, क्यों हम रास्ता तो गवर्नमेंट ने पीछे से आगे से 4 फेरे बंद कर दिया, हमारे पास हेलीकॉप्टर तो है नहीं कि हम हेलीकॉप्टर से निकल जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे, रास्ते तो हर दफा से बंद हो। अच्छा जनाब, कहाँ से आए आप लोग ये बताइए? गाड़ा से। अच्छा, तो क्यों आए और क्या मुतालबे क्या हैं, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? मुतालबे बिल बहुत ज्यादा है, खाद नहीं मिल रही, ब्लैक मिल रही है। अच्छा, और क्या मुतालबे हैं आप लोगों के? और मुतालबा है कि गंदम का रेट बहुत ज्यादा, सिंध है 4,000, ठीक है, 3,000 कर रहे हैं, ठीक है, मुझे तो रेट भी कम कर रहे हैं दान का, जिम्मेदार को कोई फायदा नहीं, खाद महंगी दे रहे हैं, डीजल महंगा है, जिम्मेदार दांग है। तो हुकूमत से क्या क्या मुतालबा है आपके, अभी आप क्या कह रहे हैं? से मुतालबा है बिजली का, खाद का, और 2017-18 में गंदम का, बेदहा
पांच रुपये ते पैंती पैसे ते आज पंजाह रुपये ते साठ रुपये यूनिट में लाई खड़े ने। इतना बिल वादू ते जिमीदार कमजोर हो जा पिया, खाद जी लभदी नहीं है, कतारा च बंदे खड़ोंदे ने एक एक बोरी देंदे ने, कई बंदे शाम नूं ऐवें वग जांदे ने, सुबह दे गए ते कई जिहड़ा एक एक बोरी लग जांदे। जिस बंदे ने उस दस किले बीजने ने फसल दे, वो एक बोरी लाए के ते वो किन्ने किलियां पावेगा। जिमीदार बड़ा कमजोर होया जांदा, कमजोर हो गया है, हुकूमत कर सकदा। आपके मुतालबे ये हैं कि खाद जड़ी है ना ये किसान नहीं लभदी पई, ते दस दस बंदे ला जाते हैं मंगार के शनाख्ती कार्ड वाले भी कार्ड से एक बोरी डींदी है, वो एक एक बोरी जड़ी है डींदी है किसान डींदी है, कई शाम नू वापस आ जाते हैं। तो बिजली का बिल है वो 2017 में 5 रुपये 35 पैसे से, ते हुण 50 रुपया 45 रुपया यूनिट नू लाया इन्हें। जिमीदार कमज़ोर होया जाता है, टैक्स ज़्यादा लगे खड़े ने, घर के बिल हैं, घर के बिल गरीबा तो नहीं तारे जाते, 500 रुपया 600 रुपया दिहाड़ी है, ते उन्होंने बिल 30-30 हज़ार 25-25 30-30 35-40 50 ताईं बिल आ जाता है, कुछ वो खावन पीवन तो तंग हो जाते हैं, बिल नहीं भरे जाते। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर वल्द अहमद कौम सियाल, तहसील व जिला साहिवाल, डाकखाना ही साहिवाल, गुलाम मोहम्मद। आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किसान क्यों बैठे हैं? हम साहिवाल से आए हैं, मौजा नामा समोर हमारा पिंड, उधर से आए हैं, हम जिम्मेदार हैं, हुकूमत से मुतालबा है कि हमारे बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमसे वो अदा नहीं किए जा सकते। उसके अलावा खादों का जो सिलसिला इन्होंने बनाया हुआ है वो गरीब किसान तो ले भी नहीं सकता, 1,000-1,200-1,500 उनकी कीमत होंगी है, तो 3-3 हज़ार तो ब्लैक विकती रहती, वो साढ़े को ले ही नहीं जाती, घर देख राजात पूरे नहीं हो सकते, दुनिया हली जलील हो पी है नाल, गरीब असी कमाइंदे आसे या साडा अखराजात पूरे होंगे तो नाल गरीबा नू मजदूरी लभदी है, हुण गरीब ही मोया पिया है तो अमीर ही मोया पिया, कई शायद मतलब कोई हालात ही कोई नहीं, सारे मुल्क में फना करके थे, मुल्क में दिवालिया करन दा प्रोग्राम है। अगर आप यहाँ पर कब से बैठे हैं और अगर ये मुतालबात आपके नहीं मंजूर होते तो क्या करें? असि चौथे दिन दे बैठे हैं, 27 तरीक लाद ते हुण ताईं जिहड़ा हुकूमत किसे वेले कुछ चक आख देने किसे वेले कुछ, कोई साडा मतलब हल नहीं हो रहा, कोई साडे नाल मतलब हुकूमत दा तावन कोई नहीं, कोई सानू पुछदा कोई नहीं, असी मतलब जिम्मेदार जड़े आए पाकिस्तान दे 70% जिम्मेदार आए, क्यों नु कद के फना कर छड्या, इन्हों दे कशा छड़ी ही नहीं। कमजोर करके तैयार शायद हूँ गरीब हो पे हैं, कोई शायद लभदी का ही नहीं। जी मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, हम किसान हैं, काड़ा से आए हैं। हमारे मुताबाद आए हैं, बिजली का बिल कट के यही आए, मेहरबानी है, ये इजाज़त है, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, हम इतनी दूर से आए हैं, 3-4 दिन हो गए भूखे बने, मेहरबानी की जाए, अभी तो कुछ नहीं कहा जाता है, मेहरबानी।
इस्लामाबाद में हुकूमत और किसानों के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तक कामयाब नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से आज तीसरे रोज़ भी किसान धरना दे रहे हैं, सराफा एहतजाज हैं और किसान का मुतालबा है कि उन्हें बिजली और खाद महंगी होने पर उन्हें मुश्किलात का सामना है, माली मसाइल का सामना है और ये मसाइल हल किए जाएँ। और इस हवाले से उनका कहना है कि गुज़िश्ता रात जो है वज़ीर ख़ारजा राना सनाउल्लाह से उनके मुज़ाकरात हुए थे और उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ जो उन्होंने कहा है कि हमें मंजूर नहीं है क्योंकि उसमें हमारे मुतालबात मंजूर नहीं किए गए थे। जिन्ना एवेन्यू पर इस वक्त हज़ारों किसान मौजूद हैं जो खाद की ब्लैक मार्केटिंग और खाद की फरवानी ना होने यानी मुश्किल से उन्हें खाद मिलने और बीज की वाफिर मकदार में फरहमी का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है कि डीजल और बिजली की कीमतों में कमी के साथ गंदम की ख़रीदारी की इमदादी कीमत 4000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर किए जाए और उनका कहना है कि उनके मुतालबात तस्लीम होने तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। और जुमे की सुबह यानी आज सुबह मुजाहिरीन ने एक मरतबा फिर इस्लामाबाद के डी चौक की जानिब पेशकदमी की और कोशिश उनकी थी कि डी चौक पर पहुंचकर वो एहतजाज करें, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से उन्हें वापस खयाबान चौक की जानिब धकेल दिया गया और हुकूमत जो है एक जानिब किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं से मुज़ाकरात में मसरूफ़ है और दूसरी जानिब उन्हें ये कहा गया है कि आप इस वक्त जहां बैठे हैं वहीं मौजूद रहें, जिन्ना एवेन्यू पर मौजूद रहें और डी चौक या रेड जोन आने की जो है वो कोशिश ना करें, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और यहाँ इस वक्त पंजाब और मुल्क के दीगर इलाकों से मुजाहिरीन मौजूद हैं, किसान मौजूद हैं और उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं होते उनके एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा।